अच्छा बेटा, ऐसा है कि आप सब लोग अपने माइक म्यूट कर दें, जिसने क्वेश्चन करना है वो फौरन बेशक अनम्यूट कर दिया करें, उसमें हो ये रहा है कि फिर इंटरेक्शन होती है, आप लोग सब लोग डिस्टर्ब होते हैं अगर माइक ऑन हो इकट्ठे दो। बहरहाल अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखें, जो अब तक हमने डिस्कस किया है टर्मिनल स्पीड को, टर्मिनल स्पीड हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो हमारे पास जो रिलेशन है 2.25 था, उसको हम थोड़ा सा उसमें अगर एम जी की वैल्यू पुट करें, क्वेश्चन 2.25 वहाँ पे आप एम जी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एम जी ओवर बी इज इक्वल टू है वी टर्मिनल, एम जी ओवर बी इज इक्वल टू वी टर्मिनल, तो यहाँ से एम जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वी टर्मिनल। तो एम जी की ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2.25 यहाँ पे पुट करेंगे बी वी टर्मिनल, तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा ये क्वेश्चन 2.29 एम वी डॉट इज इक्वल टू किया जाएगा, बी आपने कॉमन ले लेना, माइनस बी कॉमन लिया तो वी वाई माइनस बी टर्मिनल, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, यहाँ पे हमने ये पुट कर दिए एम जी की वैल्यू। अब यहाँ पे चीज मैंने लिखी हुई नहीं है, यहाँ पे अगर आपसे आप कंपेयर करें ना, आपने जो हॉरिजॉन्टल के लिए रिलेशन फाइंड किया था आपको याद होगा, अगर आपके नोट्स आपके पास, कोशिश किया करें अपने नोट्स पास रखा करें, और इसके अलावा पेन, नोटबुक और पेन पे अपने पास रखा करें चीजें, ताकि नोट भी कर लिया करें। और ये पिछले नोट्स हैं वो भी आपके काम आ जाए। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमने एक चीज की थी वहां पे, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आपके पास जो रिलेशन आया था वो आया था वी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्या था, वी एक्स डॉट इज इक्वल टू बी वाई। एम वी एक्स डॉट इज इक्वल टू बी वाई, अगर आपके पास लास्ट उसमें लेक्चर की इक्वेशन नंबर 3 थी, अभी मैंने नोट्स में देखा है इक्वेशन नंबर 3 थी कि वी एक्स एम वी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस बी वी एक्स, तो यहां पे देखें हॉरिजॉन्टल के लिए था एम वी एक्स डॉट, एम वी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस बी वी एक्स, तो यहाँ पे वी एक्स की जगह पे यहाँ पे जो टर्म आ रही वो वी वाई माइनस वी टर्मिनल है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, तो क्योंकि इसमें टर्मिनल वेलोसिटी भी एड अप हो रही है ना, अगर हम दोनों को एक जैसा करना चाहें तो यहाँ पे हम ये जो वेरिएबल हमारे पास आ रहा है वी वाई माइनस वी टर्मिनल, इसकी जगह अगर हम एक सिंगल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें U, वेरिएबल U विच इज इक्वल टू वी वाई माइनस वी टर्मिनल, ये यहाँ पे ये बात याद रखें कि V टर्मिनल कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। अब दोनों तरफ इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो U का डेरिवेटिव आपके पास डी यू बाई डी टी या U डॉट दिस विल बी इक्वल टू वी वाई डॉट, क्योंकि V टर्मिनल का डेरिवेटिव जीरो होगा, तो हम कह सकते हैं कि u डॉट इज इक्वल टू वी वाई, u डॉट इज इक्वल टू वी वाई डॉट। तो आप इक्वेशन नंबर 2.29 में लेफ्ट साइड पे वी वाई डॉट की जगह u डॉट पुट कर सकते हैं, और राइट साइड पे माइनस बी इंटू ये ब्रैकेट वाले टर्म है, यहाँ पे आप इसका सिंगल वेरिएबल u पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2.29 आपके पास क्या हो जाएगी, वो रिलेशन बन जाएगा एम यू डॉट इज इक्वल टू माइनस बी यू। अब ये देखिए, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिलेशन आता है एम वी एक्स डॉट इक्वल टू माइनस बी वी एक्स, ये उससे कंपेरेबल है, उसी को हम यूज करते हैं, उसका आपके पास सोल्यूशन भी आया था, अगर आपके पास वो नोट्स हैं तो उसके लिए हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया था वो था वी एक्स इज इक्वल टू, वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ए एक्सपोनेंशियल माइनस के टी या ए एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टाओ, तो फिर हम बिल्कुल उसी को यूज करते ये इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन लिख सकते हैं, एम यू डॉट इज इक्वल टू माइनस बी यू का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टाओ, यानी ये बिल्कुल उसी तरह कंपेरेबल है, उसी तरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2.15 के अकॉर्डिंग, जो कि हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वहां पे ये रिलेशन ड्राइव किया था, तो अब दोबारा ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये आपके पास यू है,
तो ये u का जो रिलेशन है u is equal to v y minus v terminal, यहाँ पे u की वैल्यू पुट करें लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, v y minus v terminal is equal to exponential a exponential minus t beta o. अब a जो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स की वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं. आपके पास बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, टाइम जीरो पे क्या होगा, टाइम जीरो पे जीरो होगा, बिल्कुल टाइम जीरो पे आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू वी वाई नॉट इनिशियल वेलोसिटी. सो ए विल बी इक्वल टू वी वाई नॉट माइनस वी टर्मिनल. वी देखिए ना, टाइम जीरो, टाइम जीरो पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे. जीरो भी हो सकती है लेकिन जीरो नहीं होगी क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है. एट एनी इंस्टेंट आपके पास कोई वेलोसिटी भी हो सकती है उसके पास. तो कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन से आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, वी वाई माइनस वी टर्मिनल. वाई क्या है, वी वाई क्या है, इनिशियली वो वी वाई नॉट है. और राइट साइड पे ए एक्सपोनेंशियल माइनस टी, टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी. आपके पास ए बचेगा तो कांस्टेंट ए की वैल्यू आ जाएगी वी वाई नॉट माइनस वी टर्मिनल. इस कांस्टेंट की वैल्यू को आप इस ऊपर वाले रिलेशन टू पॉइंट इसमें पुट करें यहाँ पे, तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, सिंपलीफाई करें, ये लेफ्ट वाली जो है ना टर्म वी टर्मिनल इसे भी राइट पे ले जाएं, तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा 2.30 में जो है वी वाई इज इक्वल टू वी टर्मिनल प्लस वी वाई नॉट माइनस वी टर्मिनल. ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये बेसिकली ए की वैल्यू पुट की हुई है ना इनटू एक्सपोनेंशियल. इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लें, ये वी टर्मिनल वाली दो जो टर्म्स हैं इन्हें कंबाइन कर लें, वी वाई नॉट को अलग कर लें, तो ये क्वेश्चन नंबर 2.31 आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा. तो ये हमारे पास है. अब इस रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लेफ्ट पे आपके पास क्या है, वी वाई टी है. वी वाई टी क्या चीज है, यानी वी वाई वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट और उसकी टाइम डिपेंडेंस है. ये विद टाइम ये क्या है, ये वेरी करेगा, कांस्टेंट भी होगा एट सम इंस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगी लेकिन इसकी जो है वो टाइम पे डिपेंडेंस होगी. राइट साइड पे आपके पास ये पहली टर्म है, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी बाई आर के सम बाय दैट, आपके पास ये फर्स्ट टर्म भी होगी प्लस सेकंड टर्म क्या है, वो टर्मिनल वेलोसिटी की रिलेशन है. अब इसको यूज करते हुए, मैंने ये दोनों चीजें सामने रखी, इसको यूज करते हुए इसे प्लॉट कर सकते हैं. वी वाई वैल्यू को प्लॉट करें और उसके लिए अब देखें ना, मैंने बताया कि जो वेलोसिटी की डिपेंडेंस है वो किस पे, टाइम पे है. तो वेलोसिटी का जो प्लॉट होगा वो क्या होगा, आप टाइम के लिहाज से, बिल्कुल टाइम के लिहाज से, बिल्कुल ठीक शाबाश. लेकिन और टाइम किस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि टाइम आपका क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और वाई क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस, डिपेंडेंट वेरिएबल अलॉन्ग वाई एक्सिस, इंडिपेंडेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अब इसमें आप दो तीन वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकती हैं इस रिलेशन से. टाइम जीरो होगा तो इस इक्वेशन नंबर 2.31 से देख लें कि आपके पास वी वाई टी की वैल्यू क्या आएगी. वैसे हमने पहले कह भी दिया था कि एट टाइम टी जीरो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वी वाई नॉट. लेकिन इस इक्वेशन से आप फाइंड भी कर लें, टाइम जीरो पे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म क्या हो जाएगी, वन, तो ये वी वाई नॉट बच जाएगा प्लस सेकेंड टर्म में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म वन होगी, तो वन माइनस वन की हो जाएगा जीरो. तो आपके पास वी वाई एट टाइम जीरो विल बी इक्वल टू वी वाई नॉट. तो पहला पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, एट टाइम जीरो एक्स एक्सिस पे देखें आपके पास टाइम है, तो टाइम जीरो होगा ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे वेलोसिटी की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखें वो क्या है, वी वाई नॉट एट टाइम जीरो. अब इसमें जो टाइम इंक्रीज करेंगे आपके पास क्या होगा, कि आपके पास एट टाइम टी टाउ, टाइम टी टाउ पे आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, उसे टाउ पुट करें, टाइम
अब जब पुट करें क्वेश्चन नंबर इसमें 2.30 में पुट करें ये ऑलमोस्ट तकरीबन आपके पास आएगी चक्की ऐसे क्या आती है टॉप में मारी जा रहा है मारी जा मेरा मेरा चाह गया मेरा तो ये होगी बेटे किसी का माइक कहाँ है नहीं सिद्धि कहाँ है अच्छा आपके पास एट टाइम टी टॉप है ये वेलोसिटी जो मिनिमम और वी टर्मिनल के कहीं दरमियान में होगी आगे हम देखेंगे ये कैसे आती है वैल्यू इसके हम फाइंड कर लेंगे ये चेक की है वैल्यूज क्या आ रही हैं अर्ली वी टॉप क्या आ जाती है और अगर वी टॉप यहाँ पे पुट करें आपके पास तो आपके पास 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी टॉप पुट करें तो टॉप बाई टॉप आपके पास माइनस 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 0 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 1 इससे आप एक्सपोनेंशियल की वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस 1 को आप ओवर में ले जाएंगे तो ये 1 ओवर एक्सपोनेंशियल 1 ओवर ई हो जाएगा एक्सपोनेंशियल इसे हमने किया 1 ओवर ई और ई की वैल्यू हमारे पास होती है ना 2.77 बल्कि तो 1 ओवर ई की वैल्यू हो जाएगी 1.37 इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वी वाई आपके पास आ जाएगा 0.63 वी टर्मिनल इस तरह ये आपके पास ये एक चीज देखिएगा मैं यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा हूँ यहाँ पे आप देखें आपके पास ये भी जो मैंने आपको बताया कि वी टी टाउ आपके पास क्या आ रहा है अगर टी इज इक्वल टू टाउ है तो एक्सपोनेंशियल माइनस 1 तो ये 0.63 है जिसे आप सिंप्लीफाई करेंगे 0.63 ऑफ वी टर्मिनल इसी तरह टी की वैल्यू आप टाइम की वैल्यू 2 टाउ कर दें तो फिर आपके पास आ जाएगा 0.86 अगर टाउ की वैल्यू 3 टाइम्स कर दें टाइम की वैल्यू 3 टाउ कर दें फिर आपके पास आ जाएगा 98.95 या 95% तो हमारे पास क्या होगा कि टाइम जो जो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो परसेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है और तकरीबन 3 टाउ पर जो है वी टर्मिनल ऑलमोस्ट 100% है यानी 95% है तो 3 टाउ जब उसका टाइम हो जाएगा तो देन जो है वेलोसिटी वो टर्मिनल स्पीड के क्लोज होगी या स्पीड या टर्मिनल स्पीड के क्लोज होगी अब यहाँ तक बात खत्म होगी वेलोसिटी की अब हम टर्मिनल मोशन के लिए देख रहे हैं कि उसकी दूसरी क्वांटिटी हम क्या देखते होते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ हेडिंग दे लीजिएगा कि अब जो है उसकी पोजीशन क्या होगी या डिस्प्लेसमेंट क्या होगी अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन जब आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो रिलेशन बेसिक वही हम यूज करेंगे वी बाई टी इज इक्वल टू वी टर्मिनल प्लस एंड सो ऑन हमें पता है कि जो वी वाई है या जो वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इज इक्वल टू वी वाई आप ले रहे हैं ना तो अलॉन्ग y एक्सिस आप हम वैसे तो कह देते हैं ना v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है लेकिन यहाँ डी एक्स बाई डी टी नहीं कहेंगे क्योंकि ये अलॉन्ग y एक्सिस है तो हम कहेंगे डी वाई बाई डी टी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलॉन्ग y एक्सिस है तो हम कहेंगे डी वाई बाई डी टी तो हमारे पास ये जो v वाई है इसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी
या इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वी वाई रह जाएगा डी वाई बाई डी टी। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, वेलोसिटी के लिए आप रिलेशन यूज करेंगे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो y इज इक्वल टू वी वाई डैश वी वाई टी डैश इन टू डी टी। और टाइम का लिमिट ले रहे हैं 0 टू टाइम।